चिकित्सा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ज्वर चिकित्सा में हम लोगों ने लंघनम स्वेदनम ये दो पॉइंट्स पहले देख लिए। अब ना जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा है कि ज्वर चिकित्सा में काल का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, क्योंकि काल का मैंने आज सुबह भी विधि संप्राप्ति में बताया था कि कोई भी व्याधि होने के लिए काल का महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। वयो अहो रात्रि भुक्तानम, ऐसा जो बताया है कि वय भी में बताया, और हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान में काल का महत्व पढ़ा ही है। तो यहाँ पर जब चिकित्सा करते हैं, चिकित्सा में भी काल का बहुत ज्यादा महत्व है। तो इसीलिए ऐसा बता रहे हैं कि जब वेग ज्वर आ जाता है, तो उसका जब आमावस्था रहती है, कोई भी मेडिसिन न देना है, कोई भी नहीं देना है, न तत्र भेषजम, ऐसा पहले सूत्र बता दिया कि अमावस्था में कोई भी अगर आपने हर्बल दवाइयाँ दिया तो उससे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे और अमावस्था और बढ़ के और ज्वर जो है वह पेशेंट को मार देगा। तो इसीलिए हमें रस औषधि की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल जो वनस्पति वाली दवाइयाँ हैं, जब चरक सुश्रुत वाग्भट का काल था उस टाइम पे उन्होंने निषेध किया है कि न दद्या तत्र भेषजम। उसके बाद में लंघन कराने के लिए बताया, लंघन कराने के बाद फिर स्वेदन कराने के लिए बताया, फिर उसके बाद में अभी न क्या हो रहा है कि फिर काल का बहुत ज्यादा महत्व है कि हमें कुछ काल तक कोई भी मेडिसिन नहीं देना है, कुछ टाइम तक जाने देना है, अमावस्या निकल जाए इसीलिए, और जल्दीबाजी नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करना है कि हमें आज ही पेशेंट को ठीक करना है, उनको टाइम देना है कि आम का पचन हो जाए। तो आम पचन के लिए ज्यादातर ग्रंथों में ऐसा बताया कि 6 दिन का टाइम लगता है। हमें पूरी तरह से लंघन कराना है और 7 दिन, 7 रात्रि और 6 दिन, 7 रात्रि और 6 दिन, डे टाइम 6 और 7 रात्रि तक हमें लंघन कराना है। इसके बीच में अगर हमें लगे कि 2 दिन में ही अग्नि प्रदीप्त हो गई है, भूख लगने लगी है, अमावस्था चली गई है, तो ये वैद्य को डिसाइड करना है, चिकित्सक को डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, कब हमें खाने को देना है, और खाने में भी एकदम गुरु और संतर्पक कारक आहार नहीं देना है, उसमें हमें लघु और संतर्पक आहार देना है, जैसे युष कल्पना देना है, पेया देना है, इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। तो काल का महत्व इसलिए है क्योंकि अगर हमने जल्दीबाजी किया, जैसे कि एलोपैथी के मेडिसिन में रहता है कि किसी को फीवर आया और तुरंत ही पैरासिटामोल क्रोसिन वगैरह दे दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि ज्वर तो चला जाता है, तुरंत ही इमिजिएटली फायदा होता है, आधे इग्नोर किया तो वह अमावस्था जाके अंदर ही अंदर कभी शोष व्याधि कर देगा, स्रोतोरोध हो जाने की वजह से, कभी रक्तपित्त कर देगा, कभी विसर्प कर देगा, कभी विद्रति कर देगा, कभी व्रण शोथ कर देगा, शवथू कर देगा, पांडु रोग कर देगा, कुछ ना कुछ तो वो पैथोलॉजी करता है, जहां पर भी उसको खवैगुण्यता मिलेगा, स्थान संशय मिलेगा, तो व्याधि शुरू हो जाएगा। इसीलिए काल हमें टाइम देना चाहिए कि अमावस्था पूरी तरह से पच जाए, और उसके बाद में अमावस्था जब पच जाता है, मतलब अमावस्था निकल जाता है, तो पच्यमान अवस्था दिखने लगता है, तब हम कोई ना कोई पेया देने लगते हैं, या कोई मंड देते हैं, यूष देते हैं, कुछ मेडिसिन की योजना करने लगते हैं। तो सात दिन तक लंघन कराना चाहिए, 7 रात्रि, चरक संहिता में 7 रात्रि बोला है, सुश्रुत संहिता में 6 दिन और 7 रात्रि ऐसा बोला है, इसको हमें एनालिसिस करके समझना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको मैंने कहा था 7 दिन तक आपको व्रत रखना है, कोई खाना पीना नहीं है, केवल षडंग पानी है, मैंने उनको कोई पाउडर दे दिया था षडंग पानी का, और बोला कि लंघन करिए, उन्होंने इतना ज्यादा लंघन कर लिया कि उनका चक्कर आने लगा। इतना स्ट्रिक्ट हमें नहीं करना है, और पेशेंट से फॉलोअप लेते रहना चाहिए, अड्डे रोगी भिषक वैश्यो ज्ञापको सत्वान अपि, मतलब पेशेंट जो है वह सत्ववान रहना चाहिए, और वह पेशेंट हमेशा डॉक्टर के कांटेक्ट में रहे और हर चीज बताते रहे, तब ये काल का जो हमें है, ये काल जो एक मतलब लंघनम स्वेदनम कालो, ये जो एक स्टेप है उसको हम सक्सेसफुली पेशेंट में इंप्लीमेंट करके और अच्छा चिकित्सा कर सकते हैं। इसके बाद में आता है
चौथा स्टेप आता है यवागु की योजना करनी चाहिए। तो यवागु जो रहता है, आम पचन हो गया है और स्वेदन भी हो गया है, लंघन दे दिया है, स्वेदन दे दिया है, कुछ काल तक हमने जाने दिया है पेशेंट को, फिर जाने दिया स्रोतस जो होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। तो इस टाइम पे ऐसा नहीं करना है कि उसको पिज्जा बर्गर और फिर दुनिया भर का उल्टा पुल्टा योजना जो षष्ठीशालिक चावल है और पुराना है, 1 साल पुराना जो चावल है उससे हमें यवागु बनाना है। इसी को यवागु कल्पना से पहले पेया कल्पना के लिए बहुत ज्यादा महत्व दिया है। और यवागु दे तो ठीक है, लेकिन पहले मंड मंड दे या फिर पेया दे, फिर यवागु दे, ऐसा है। तो पेया का क्या महत्व बताया, चरक चिकित्सा स्थान, क्योंकि पेया जो रहती है यवागु से थोड़ा हल्का रहती है, तो पेया से शुरू करना है। तो इन्होंने ऐसा बोला है, चरक चिकित्सा स्थान तीसरा चैप्टर में 148 नंबर का श्लोक और से 151 नंबर का श्लोक, इसमें बहुत बढ़िया से बताया है कि मेडिसिन से बनाया हुआ चावल डालना है, कुछ भाग चावल रहेगा और उसका 14 भाग पानी रहेगा, उसको उबाल के और कुछ मेडिसिन डालना है जो दीपन पाचन रहे और त्रिकटु सिद्ध रहे या पंचकोल रहे, कुछ काला नमक डाल दे, सेंधा नमक डाले, और इस तरह से जब मेडिसिन के संयोग से जब माड़ का पानी और थोड़ा सा चावल के भी अंश, एकदम लिक्विड डाइट ही रहता है। तो इसके लिए क्या बताया, मेडिसिन डाल के कैसे बनाना है और इसका क्या गुणधर्म है, क्या सिग्निफिकेंस है चिकित्सा करने में, वह बता रहे हैं। तो ऐसा बता रहे हैं कि तस्य भेषज संयोगात लघु चाग्नि दीपनाहा वात मूत्र पुरुषाणाम दोषाणाम चानुलोमनाहा स्वेदनाय द्रवोष्णत्वात् द्रवत्वात् तृढ़ प्रशांतये आहार भावत् प्राणाय सरत्वात् लाघवाय च ज्वरग्नो ज्वर सात्मत्वात् तस्मात् पेयाभिराधितः। इतना बढ़िया चीज बता रहे हैं इन्होंने, बोला है कि भेषज संयोगात, मतलब उसमें मेडिसिन डालना है और सारे दीपन पाचन करने वाले, जैसे पंचकोल बता दिया, त्रिकटू डाल दिया, थोड़ा सेंधा नमक डाल दिया, काला नमक डाल दिया, थोड़ा अम्ल बना दिया, थोड़ा नींबू डाल दिया, तो इस तरह से जो टेस्टी बन जाता है वह अग्नि को भी प्रदीप्त करता है और दूसरा पाचन भी अच्छे से जल्दी से हो जाता है, दूसरा शरीर को बल भी देता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि भेषज संयोगात लघु लघु रहता है, लघुत्वात् च अग्नि दीपनाहा, ये अग्नि को प्रदीप्त करता है। वात मूत्र पुरुषाणाम दोषाणाम चानुलोमनाहा, वात को जो अपान वायु कहीं अटका हुआ है तो अपान वायु निकलने लगता है, रहती है और श्रिष्ट वृण मूत्र पुरुष इन सबको करती है, मतलब अच्छे से मल निकलने लगता है, पुरुष निकलने लगता है और मूत्र निकलने लगता है। उसी तरह से दोषाणाम चानुलोमनः, दोष जो है प्राण वायु का गति कैसा है कि ऊपर से नीचे, उदान वायु का गति कैसा है नीचे से ऊपर, श्वास उच्छ्वास ये प्राण और उदान का कार्य होता है। समानो अग्नि सपि पस्त अग्नि समय पस्त कोष्ठे चरति सर्वथा अन्नम ग्रहणाति पचति विवेचति मुंचति च। तो ये समान वायु का कार्य जो रहता है अग्नि के साहचर्य में रहना और अन्न को ग्रहण करना, अन्नम ग्रहणाति विवेचति मुंचति पचति, विवेचन करना, अन्न का मुंचन करना, मतलब एब्सॉर्प्शन एसिमिलेशन और सारे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके ग्रहण करके पचाना, ये सारे समान वायु ही अग्नि के साथ में रह के सारा कार्य करती है। कोष्ठे चरती सर्वदा, कोष्ठ में वह घूमती रहती है और तो उसका प्राकृत गति हो जाता है। फिर व्यानो हृदय, व्यान जो है वो हृदय में रहता है, पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, जो रस और रक्त को पूरी तरह से परिभ्रमित करता है, मतलब घुमाता है, सर्कुलेट करता है, परिभ्रमित से अच्छा है परिभ्रमण करता है,
परिभ्रमित मतलब भ्रम से रिलेटेड हो गया, परिभ्रमण करने में जो सहयोग देता है उसको कौन देता है, तो व्यान वायु करता है। तो ये व्यान वायु की भी गति अच्छी हो जाती है। अपान वायु जो है वह ये गर्भ को निकालना, मल मूत्र इन सबको जो निकाल, हम लोग जब इंजीनियर को बुलाते हैं तो इंजीनियर क्या करता है, तेल डालता है, क्या फॉल्ट है उसको ठीक करता है, और फिर मशीन धक 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 अच्छे से चलने लगती है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा इंडक्शन मोटर कैसे चलने लगता है। कंप्यूटर में भी अगर बस चला गया तो, अगर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसने वायरस निकल दिया, तो कंप्यूटर का भी काम जो रहता है, स्पीड रहता है, वो इतना फास्ट हो जाता है। उसी तरह से यहाँ शरीर का जो एक मशीन रूपी जो शरीर है उसका भी अग्नि प्रदीप्त हो गया, दोष अनुलोमन हो गया, मल मूत्र और पुरुष ये सब निकलने लगे, वायु अनुलोमित होगा, तो शरीर भी अच्छा होने लगता है। उसी तरह से बोल रहे हैं पेया का प्रयोग, जब भेषज संयुक्त जब पेया का प्रयोग करते हैं तो स्वेदनाय, यह क्या करता है कि स्वेदन भी करता है, क्योंकि स्वेदव स्त्रोतस में जो आम के वजह से अवरोध हो गया है तो वह आम का भी ये पाचन कर देता है, तो अपने स्वेदव स्त्रोतस से पसीना आने लगता है। उसी तरह से द्रवोष्णत्वात् द्रवत्वात् तृढ़ प्रशांतये, अब ये जो पेया रहता है लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रवत्वात मतलब ये द्रव रहता है, उष्णत्वात ये उष्ण रहता है, तो आमावस्था में आम को पूरी तरह से निकाल दिया, क्लेद को मेरा, नहीं तो ये कंप्यूटर ही बंद हो जाएगा, एक मिनट बस। हाँ अभी हो गया, क्या है ना लैपटॉप में ना बैटरी कम था तो बंद हो जाता। तो इस तरह से बता रहे हैं कि ये स्वेदन करता है, अम्बुवत स्त्रोतस को खोल देता है, अम्बुवत स्त्रोतस जब खुल जाता है तो स्त्रोतसों में अम्बुवत में अच्छे से अम्बु जो रहता है वो पानी का सर्कुलेशन होने लगता है, तो प्यास जो रहती है वो बैलेंस हो जाती है। उसी तरह से बता रहे हैं आहार भावात प्राणस्य प्राणाय, मतलब ये आहार है हमारा, मेडिसिन युक्त जो पेय है ये हमारा आहार है, तो ये प्राण को ताकत दे देता है। सरत्वात लाघवाय च, शरीर में सर गुण को बढ़ा देता है, इसलिए पूरा शरीर के जितने भी भाव पदार्थ हैं, रस्व स्त्रोतस में जाने वाला स्त्रोतस में जाने वाला अस्थि है, अस्थि के जो सेल्स हैं, उसी तरह से मेद में अस्थि मज्जा शुक्र ये जितने भी स्त्रोतस हैं उसमें भाव पदार्थ अच्छे से जाने लगते हैं, तो सरत्वात वह उनकी गति अच्छी हो जाती है और लघु भी रहता है। ज्वरग्न ज्वरसात्मत्वात, यह ज्वरग्न भी रहता है क्योंकि इसमें औषधि सिद्ध, हम लोग जैसे कटु रसात्मक जितने भी मेडिसिन डाल रहे हैं तो यह ज्वर ज्वरग्न भी रहता है पेया। दूसरा ज्वरसात्मत्वात, ज्वर के अनुकूल रहता है, यह साथ में रहता है, इससे पेया पीने से ज्वर में बहुत अच्छा फायदा होता है, पॉजिटिव इफेक्ट आता है, इसलिए ज्वर सात्म्यत्वात् तस्मात् पेया भिरादिता, इसलिए पेया की योजना करने के लिए बोला है। पुनर्वसु आत्रेय जी ने अग्निवेश आदि ऋषि लोगों को, अपने जो स्टूडेंट है उनको पेया के बारे में बताया। इसी को मैं एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ ताकि आप लोग को फिर से याद हो जाए। तत्सभेषज संयोगात लघुत्वात् अग्नि दीपनाः वातमूत्र पुरुषाणाम दोषाणाम चानुलोमनाः स्वेदनाय द्रवोष्णात् द्रवत्वात्र हृदादिता। अब पेया के बारे में और डिस्क्राइब करके टीकाकारों ने ऐसा बोला है कि पेया जो रहती है बाल के चावल को छाना नहीं जाता है, उसको मैश कर दिया जाता है, और वो जो ऊपर का जो मंड रहता है और चावल का भाग ये मिक्स करके उसमें कुछ मेडिसिन डाल के उसको और सिद्ध कर दिया जाता है, और उसमें भी
कट्टू रसात्मक जो द्रव्य रहते हैं, जैसे शुंठी हो गया, त्रिकटू हो गया, थोड़ा टेस्ट बनाने के लिए सेंधा नमक डाल दिया, थोड़ा नींबू डाल दिया, इस तरह से पेया जो बनाते हैं वो लघु रहता है, अग्नि का दीपन करता है। उसी तरह से पेया जो रहता है वो दोष का, दोषों का, वात पित्त कफ का, और उनके जो सब टाइप्स हैं, पांच पांच टाइप है, कि वायु के जो है प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, पित्त के पित्त साधक, रंजक, पाचक, पित्त पाचक, रंजक, साधक और भ्राजक, आलोचक, इनका कार्य अच्छा हो जाता है। और कफ का अगर देखेंगे तो बोधक, क्लेदक, फिर अवलंबक, श्लेषक और तर्पक, ये जो कार्य है वह अनुलोमित कर देता है। उसी तरह से वात मूत्र पुरुष का भी अनुलोमन कर देता है। उसी तरह से यह द्रवत्व, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में रहता है और उष्ण रहता है पेया, क्योंकि मेडिसिन सिद्ध किया पेया है, तो यह क्या करता है कि स्वेदन करने लगता है, क्योंकि स्वेदवा स्रोतस को खोलता है। स्वेदवा, अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई गंगा नदी के किनारे कोई नाला है और उसमें कचरा डाल दिया, प्लास्टिक वगैरह सब डाल दिया, तो जो पानी है वो अच्छे से नहीं जाएगा, और थोड़ा भी बारिश आएगा तो वो पान नाला जो है ओवरफ्लो करेगा और पूरे शहर में कैसा ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करके बाढ़ आ जाती है। वही हमने कचरा निकाल दिया। रहती है आम का पचन करके, क्योंकि इसमें कटु रसात्मक द्रव्य रहते हैं, तो स्रोतस खुल जाते हैं, तो अपने आप पसीना आने लगता है क्योंकि स्वेदवा स्रोतस खुल जाते हैं। उसी तरह से बता रहे हैं कि यह द्रव्य गुण होने की वजह से तृष्णा प्रशमन है। जब हमें प्यास लगती है तो हमें पानी पीना होता है, तो पानी की जरूरत होती है, बॉडी में वाटर कंटेंट कम हो जाता है, पेय के रूप में लिक्विड दे रहे हैं तो अपने आप तृष्णा प्रशमन हो जाता है। उसी तरह से सर गुण और लघु गुण के वजह से शरीर में जो गुरुता है, जो पूरा आम पूरे शरीर में शाखागत हो गया था, ये जहां जहां पे आ जाएगी आहार रस में मिलके, वहां वहां पर, और ये भी ब्लड के थ्रू ही सब जगह सर्कुलेट होता है, तो ये जहां जहां जाएगी वहां पर लघुता उत्पन्न करेगी, और सरता सर गुण होने की वजह से सारे दोषों को पचाते जाएगी और आगे बढ़ते जाएगी, पचाते जाएगी, आगे बढ़ते जाएगी। इसी तरह से पेया जो है ये आहार द्रव्य होने से प्राण के बल का रक्षण करती है, मतलब शरीर का प्राण जो है उसको रक्षण करती है, और एक एक सेल को रीजनरेट करती है, मतलब ताकत दे देती है, जब वो व्याधि क्षीण होने की वजह से बहुत ज्यादा दुर्बल हो जाते हैं, और बल दे देती है, प्राणों का भी रक्षण करती है। उसी तरह से पेया जो रहती है वो ज्वरग्न है, इस सब के प्रभाव से इसको ज्वरग्न बोला है पेया को, और पेया का प्रयोग हम लोग प्रैक्टिस में करते हैं शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा करते टाइम। अगर आपके पास पेशेंट आते हैं और आप लोग रस औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो रस औषधि से आप लोगों ने त्रिभुवन कीर्ति रस दिया, महाज्वरांकुश रस दिया, सुदर्शन महाघनवटी दे दिया, ये सब की योजना क्यों करते हैं, अग्नि को ध्यान में रखते हुए स्रोतस खुलने लगते हैं, स्रोतोजन्य संप्राप्ति भंग हो जाती है और पेशेंट को रिलैक्स हो जाता है। इसी तरह से ये पेया में क्या क्या द्रव्य डाल सकते हैं, ऐसा ग्रंथकार बताते हैं कि शुंठी डाल सकते हैं, शुंठी कटु कटु उष्ण, कटु मधुर उष्ण रहता है, मतलब कटु रसात्मक रहता है, शुंठी पेट में जाके मीठा बन जाता है और उसका उष्ण विरह रहता है, तो शुंठी ग्राही भी और अग्नि प्रदीप्त भी करती है, आम का भी पाचन करती है, मतलब दीपन पाचन कार्य दोनों कार्य करती है। उसी तरह से मरीच है, मरीच प्रमाथी है, सभी स्रोतसों में चली जाती है और वहां पर आम का पचन करती है। मरीच जो है वो उत्कृष्ट दीपन पाचन द्रव्य है, और मरीच का अगर मात्रा के रूप में मात्रावत प्रयोग किया जाए तो कभी भी साइड इफेक्ट नहीं होता है मरीच का। उसी तरह से हम लोग पंचकोल का दे सकते हैं, कभी भी मरीच देने से ये क्या होगा कि पेया वैसा बनाते हैं ना, तो गले में भी अच्छा रहेगा, रुचि भी उत्पन्न करता है, स्रोतस भी खोल देता है, और ये मरीच और शुंठी और पंचकोल का ही प्रभाव रहता है कि कटु रस से सारे स्रोतस खुलते जाते हैं, आम का पचन होते रहता है। और यह पेया जो है शुरुआत में नहीं देना है, भले इसमें बहुत सारे गुणधर्म है, तब भी पहले लंघन बताए, लंघनम स्वेदनम कालो यवागु स्तिक्त को रसः, यवागु पहले पेया दीजिए, फिर और भूख लगने तो यवागु दे दीजिए, पहले पेया से शुरुआत करना है। और मंड देंगे तो मंड तो बहुत ज्यादा पानी पानी रहता है,
तो उससे बल प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा चावल का भी अंश रहना चाहिए, थोड़ा मंड का भी अंश रहना चाहिए। इस तरह से इन्होंने ये कल्पना बता, ये स्टेप बता दिया। इसके बाद में आ रहे तिक्त रस, तिक्त लंगनम स्वेदनम कालो ये वागो तिक्तको रसा पाचनानाम विपक्वानाम दोषाणाम तरुणे ज्वरे, तरुण ज्वर में दोषों का पचन करने के लिए ऐसा बताया है। तो अभी तिक्त रस जो है वह तिक्त रस, अब ज्वर रहता है, अगर कोई भी मीठा चीज दे दिया, जैसे आपने गुड़ का शरबत दे दिया या शहद दे दिया, वो मधुर रहता है लेकिन वो अग्नि मंद करेगा। कुछ ऐसा द्रव्य चाहिए जो अग्नि को भी प्रदीप्त करे। कषाय रसात्मक आपने कुछ दे दिया, कसैला चीज दे दिया, तो अग्नि को मंद करेगा, पित्त का शमन करेगा ठीक है, लेकिन अग्नि मंद कर देगा तो और स्त्रोत्र कषाय रस से हो जाएगा। मधुर रस से भी क्या होगा, आपने हलवा खिला दिया, मीठा है हलवा लेकिन वह स्त्रोत्र उत्पन्न कर देगा, चीनी दे दिया, गुड़ दे दिया, मिश्री दे दिया। इससे अच्छा है कि तिक्त रस की योजना करें। और दूसरा ये बता रहे हैं कि मधुर रस रहता है वो शीत रहता है, गुरु रहता है, पचने में बहुत हैवी रहता है, और मधुर रस अगर आपने दे दिया तो आम की उत्पत्ति करता है। जैसे आपने लंगनम स्वेदनम कालो यहाँ तक गए या वागु तक गए और उसके बाद में दूध पिला दिया या बहुत ज्यादा मीठा फ्रूट जूस पिला दिया, तो वह अग्नि को मन करता है, मीठा चीज नहीं देना है यहाँ पर, इसलिए वह ज्वर में त्याज्य बोला है, मधुर रस नहीं देना है, भले वो पित्त का शमन करता है। तो उसमें बोल रहे हैं कि पित्तज्ञ करने वाला जो द्रव्य है वह तिक्त रस ही है। कषाय रस के बारे में ऐसा बताया कि कषाय रस जो है वो स्तंभन करता है, स्त्रोतसों को और ब्लॉक कर देगा, कषाय रस स्त्रोतोरोध करेगा, और वह ज्वर में तो पूरी तरह से निषिद्ध बोला है। पादयदिका मतलब कषाय कल्पना में जो पंचविध कषाय कल्पना हम लोगों ने पढ़ा है, स्वरस पढ़ा है हमने, फिर उसके बाद में हिम पढ़ा है, फांट पढ़ा है, क्वाथ पढ़ना है, जो ये कल्पनाएं पढ़े हैं पंचविध कषाय कल्पना, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो कषाय कल्पना जो है क्वाथ कल्पना है वह सबसे ज्यादा लघु रहता है और पचने में भी हल्का रहता है। स्वरस निकालते हैं तो बहुत ज्यादा गुरु रहता है, डायरेक्ट प्लांट का आपने रस निकाल लिया और वो दिया, पचने में हैवी रहता है। उसके बाद में आपने हिम देखा तो वो तो पानी में डाल देते हैं और थोड़ी देर तक रख देते हैं तो वो भी पचने में हैवी रहता है। फांट में भी आप गर्म पानी में थोड़ा सा कुछ डाल देते हैं, गर्म हो जाता है लेकिन वो भी पचने में उतना हल्का नहीं रहता। कषाय ही ऐसा है जो हम लोग उबाल के बनाते हैं, वो क्योंकि अग्नि का संयोग हो जाता है, उबल जाता है तो हल्का हो जाता है, इसलिए कषाय कल्पना देने के लिए बोला है। और कषाय जो है वो बोलते हैं कि पाचनीयम शमनीयम, मतलब दोषों का शमन करता है, आम दोष का शमन करता है, फिर उसके बाद में दोषों को बैलेंस कर देता है और आम का पचन करता है, इसलिए कषाय रस की योजना करने के लिए बोला है। इसी तरह से कषाय रस, अभी मैंने कषाय कल्पना बताया, कषाय मतलब क्वाथ कल्पना, काढ़ा की कल्पना बताया, लेकिन कषाय रस इसका वर्ज्य बोला है। तो चरक चिकित्सा स्थान में देखेंगे तो कषाय रस जो है, जैसे कसैला चीज, जैसे सुपारी हो गया या फिर त्रिफला हो गया, कसैला चीज है, या फिर कुछ ऐसे चीज हो गए जो बहुत ज्यादा कसैले हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं कि यह कषाय कषाय स्यात् सवर्जस तरुण ज्वरे, मतलब कषाय का कषाय, मतलब कषाय रसात्मक द्रव्यों का अगर हमने काढ़ा बनाया और वह अगर दिया पीने के लिए तो वह और स्त्रोतोरोध करेगा, आम की उत्पत्ति करेगा। मधुर रसात्मक अगर हमने काढ़ा बना के दिया, जैसे कि आपने शतावरी का काढ़ा बना के दे दिया, चीनी डाल के दिया, तो शतावरी खुद ही इतना शीत है, मधुर है और गुरु है कि वह और अग्नि मंद कर देगा, वह पचने में बहुत हैवी रहता है। और मधुर रस में पार्थिवता और आप्यता बहुत ज्यादा रहती है, मतलब आप्य धातु महाभूत, आप्य महाभूत और पृथ्वी महाभूत बहुत ज्यादा रहती है। आकाश और अग्नि महाभूत प्रधान रहता है, वो आकाश पैदा करता है, मतलब वो ऐसे द्रव्य जब देते हैं ना तो शरीर में वैक्यूम वैक्यूम तैयार करता है, स्त्रोतोरोध को दूर करके स्त्रोतसों को खाली करता है, हल्का करता है और अग्नि को बढ़ाता है, इसलिए तिक्त रस के काढ़े को देने के लिए ही बोला है। ये तरुण ज्वर में या शाम ज्वर में तिक्त रसात्मक कषाय मतलब काढ़ा देने के लिए बोला है, मधुर रसात्मक और कषाय रसात्मक देने के लिए वर्ज्य बोला है। इसी तरह से ये 6 दिन तक बोला है, कुछ वैद्य लोग ऐसा बोलते हैं, आचार्य लोग, कि 7 दिन तक भी लंगन करा सकते हैं,
लेकिन कभी भी कषाय रस का काढ़ा बना के नहीं देना है, कषाय रस का चूर्ण नहीं देना है, कषाय रस की गोली नहीं देना है, कषाय रस का अवलेह नहीं देना है, कषाय रस से सिद्ध किया हुआ घृत नहीं देना है, नहीं तो और स्तोत्रोध हो जाता है। अब पित्तज्ञ मधुर रस आता है और तिक्त रस आता है, तो जो मधुर जो रहता है वो तो कोई उपयोग का ही नहीं रहता है इस अवस्था में, क्योंकि तो अग्नि बहुत ज्यादा मंद है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो तिक्त रस ही आता है जो सबसे श्रेष्ठ रहता है। तिक्त रस में आकाश और वायु महाभूत रहता है। कोई ग्रंथकार ऐसे बताते हैं कि अग्नि और आकाश रहता है, लेकिन चरकाचार्य जी का एकदम ऑथेंटिक है, उन्होंने बोला कि आकाश और वायु महाभूत प्रधान तिक्त रस रहता है। तो इसीलिए क्या करता है, वायु प्रधान है तो जहां जहां वायु जाएगा वहां वहां स्रोतों को खोलेगा और तिक्त रस की वजह से आम का पचन भी करेगा तिक्त रस से, और जो वायु प्रधान महाभूत प्रधान है तो वायु जो रहेगा स्रोतों को खुलते जाएगा और आकाश उत्पन्न होते जाएगा। इस तरह से ये संप्राप्ति को भंग करता है और यह बोलते हैं कि आम का पचन करता है। तिक्त रस जो है वो अपने प्रभाव से, अपने रस वीर विपाक से अग्नि का वर्धन करता है। कुछ आचार्य मानते हैं रस की धातु अग्नि को अच्छा कर देते हैं, स्रोतस को खोल देते हैं, रस व स्रोतस को। ऐसे ही तिक्त रस की योजना करने के लिए बोला है। यह लघु होता है तिक्त रस, स्रोतसों को शुद्ध कर देता है, अग्नि का वर्धन करता है, आम का पचन करता है और रुचि उत्पन्न कर देता है और ज्वरग्न इस तरह से कार्य करता है। इसलिए तिक्त रसात्मक काढ़े के प्रयोग करने के लिए ही बोला है। इसी तरह से हर तरह के तिक्त रस ज्यादातर ज्वरग्न ही होते हैं, जैसे कि गुड़ुची हो गया, गुड़ुची कटुका तिक्ता स्वादु पाकर रसायनी संग्रहणी कषायुषना लघवी बल्यानि दीपनी दोषित राम त्रिदा मेह काशांच पांडुताम कामला कुष्ठ वातान सह ज्वर कृमि वमिन हरित। इसमें ज्वर बताया है और वह कटुर पहले से लगता है लेकिन वह तिक्त रसात्मक ही गुड़ुची होता है, इसलिए गुड़ुची का प्रयोग करने के लिए बोला है, पटोल का यूज करने के लिए बोला है, इंद्रियव का प्रयोग करने के लिए बोला है, नीम की छाल को बोला है, उसी तरह से चिरायता बोला है, किरातिक्त उसका प्रयोग बता रहे हैं। तो ये सारे तिक्त पंचक क्वाथ बोलते हैं। तिक्त पंचक क्वाथ में क्या रहता है, तो गुड़ुची हो गया, पटोल हो गया, इंद्रियव हो गया, नीम का छाल हो गया और चिरायता, ये नी पंच तिक्त होते हैं। इनका कषाय काढ़ा बना के पीने के लिए देना है तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से लंगनम स्वेदनम कालो ये वागुस तिक्त को रसा, यह चिकित्सा सूत्र जो है ये सामान्य सभी तरह के ज्वर में करने के लिए बोला है। अगर आप रसौषधि का भी प्रयोग कर रहे हैं तब भी ये अगर क्रम करेंगे तो पेशेंट का रिकवरी का सक्सेस रेट आपका बढ़ जाएगा। जब सचिन तेंदुलकर आते थे, जब भी बैटिंग करने आते थे, तो आप लोग शायद उस टाइम याद होगा उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता था, कभी कभी उन्होंने डबल सेंचुरी मारी, तो मतलब जो कम टाइम में ज्यादा रन बनाना। तो ये जो तिक्त रस रहता है अगर उसकी योजना करते हैं तिक्त पंचक क्वाथ, तो जो सक्सेस रेट रहता है वो फास्ट हो जाता है। स्ट्राइक रेट जो बैट्समैन का आप लोगों ने देखा होगा, जो रन कितना बना रहे हैं, कितने बॉल पे कितने रन बना रहे हैं, जो स्ट्राइक रेट रहता है। तो लंगनम बहुत अच्छा रहता था, और जो राहुल द्रविड़ थे वो वहां पे क्रीज पे रहते थे, वो ना सस्टेन कर देते थे, जल्दी रन आउट नहीं होते थे, जल्दी आउट नहीं होते थे, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर बहुत ज्यादा लेते थे, बॉल बहुत ज्यादा लेते थे और रन उतना अच्छा नहीं बनाते थे, तो उनको बोला जाता था कि वो रुक जाएंगे, टिक जाएंगे। न तो पहले क्या होता था मेंटेलिटी कि सचिन तेंदुलकर आउट तो सारे खिलाड़ी आउट, ये मेंटेलिटी, लेकिन राहुल द्रविड़ है तो ये मैच चलेगा, थोड़ा ज्यादा ओवर 40-45 ओवर तक चलेगा वनडे मैच, ऐसा सोचा जाता था। तो हमें राहुल द्रविड़ की तरह नहीं करना है, हमें जो करना है सक्सेस रेट को बढ़ाना है और जल्दी पेशेंट ठीक करना है, परमानेंट ठीक करना है। इसीलिए लंगनम स्वेदनम कालो ये वागो तिक्त को रसा, रसौषधि का प्रयोग करना है, स्वर्णकल्प का प्रयोग करना है, तो हमें पेशेंट का जल्दी रिकवरी होता है और पेशेंट हमारे पास जिंदगी भर बोलता है कि हाँ इन्होंने हमें उस अवस्था से निकाला जब हमारे पास एलोपैथी भी कोई काम नहीं कर रहा था। इसके बाद में आता है पच, अभी अमावस्था चला गया, अमावस्था चला गया, अब ज्वर की सेकंड स्टेज आ रही है,
अमावस्या तक हमने लंगनम स्वेदनम कालो ये भागो स्तिको रसा ये बता दिया। अब आ रही है सेकंड अवस्था जिसमें पच्यमान अवस्था बोलते हैं, और उसके बाद में आता है निरामावस्था। पच्यमान अवस्था में क्या होता है कि दोष जो रहते हैं वो पचने लगते हैं, अग्नि थोड़ा संदूक्षित होने लगती है, थोड़ा थोड़ा अग्नि बढ़ने लगती है और आम पचने लगता है, स्रोत खुलने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा भूख भी लगने लगता है, लेकिन ज्वर होता ही हो। करना है और शमन भी करना है, जैसे कि नाक पूरा भरा हुआ है, सर्दी प्रतिशय साइनोसाइटिस अगर हो गया और आम यहाँ से पचने लगा, तो शिर विरेचन के लिए सरसों का तेल डाल दीजिए, वच्चा तेल डाल दीजिए, ज्योतिषमती तेल डालिए, फिर षडबिंदु तेल डालिए, अणु तेल डालिए, जो भी ऐसे तीक्ष्ण द्रव्य रहते हैं वो नाक में डालने से पूरा कफ को निकालते हैं, तो फ्रंटल साइनस, इथमॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस ये पूरी तरह से स्रोतस खुल जाता है, तो ये शिरोविरेचन से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जब पच्यमान अवस्था रहती है उसमें हमने काढ़ा का बस्ती दे दिया, तो वो जाएगा इंटेस्टाइन में से मल को निकालेगा, जब मल प्रवृत्ति अच्छे से हो जाएगी तो पेशेंट को रिलैक्स होगा और उसकी अग्नि और प्रदीप्त हो जाएगी, क्योंकि पेट में अवकाश तैयार हो गया, आकाश महाभूत तैयार हो गया है, तो उसके वजह से भूख लगने लगती है और ये संप्राप्ति और जल्दी भंग होती है। इसलिए पच्यमान अवस्था में, अमावस्था में बिल्कुल पंचकर्म नहीं करना है। पच्यमान अवस्था में जब दोष पचने लगे और सेकंड स्टेज आ रही है, थोड़ा थोड़ा आम पच गया है, पच्यमान अवस्था है, तब यह बस्ती देने के लिए बोला है, नस्य देने के लिए बोला है, शिरोविरेचन कराने के लिए बोला है। अंगनम कुर्यात ज्वर मध्य हेतु पाचनम, मतलब ज्वर के आदि में वमन करने के लिए बोला है, सॉरी लंघन करने के लिए बोला है, ज्वर आदो लंघने कुर्यात, लंघन करा ज्वर के, जब तरुण ज्वर रहता है, नया नया बुखार आया है, तो लंघनम कुर्यात, कुर्यात जो है वो निर्देश देने के लिए, ऐसा कुर्यात शब्द बोला है, तो लंघनम ज्वर आदो लंघनम कुर्यात, दोष मध्य हेतु पाचनम, दोष मतलब ज्वर मध्य हेतु पाचनम, सॉरी ज्वर मध्य हेतु पाचनम, मतलब ज्वर का जब मध्यावस्था आती है तब पाचन द्रव्य देना है, तो उसमें आप शुंठी दे दीजिए, त्रिकटू दे दीजिए, पंचकोल दे दीजिए, तो ज्वर में आम दोष का और पचन होने लगता है। और उसी तरह से योग रत्नाकर में ऐसा बोल रहे हैं, ज्वरांते रेचनम प्रोक्तम, ज्वर का जब अंत होता है, जब निरामावस्था आ जाती है, तो रेचन देना चाहिए ताकि रेचन से और कोष्ठ की शुद्धि हो जाए, एत ज्वरा चिकित्सितम, इस तरह से ज्वर की चिकित्सा बताइए। ज्वरादो लंघनम कुर्यात, ज्वर मध्ये तु पाचनम, ज्वरांते रेचनम प्रोक्तम, एतद् ज्वर चिकित्सितम्, ये एकदम इतना सिस्टमेटिकली बताया है, और ऐसे ही हम पेशेंट को जब देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आम पचन के लिए कोई 7 दिन का प्रयोग करते हैं, कोई 10 दिन का प्रयोग करते हैं, तो लंघन आदि उपक्रम करने के बाद फिर ऐसा बताते हैं कि कफ प्रधान अगर ज्वर रहेगा तो अम्ल रस युक्त यूष का सेवन, खट्टा यूष, तो उसमें आप थोड़ा सा नींबू डाल के दाल का पानी उबाल के जो कल्पना देते हैं उसको यूष कल्पना बोलते हैं, खट्टा रहेगा तो दीपन पाचन रहेगा, रोचन भी रहेगा, इसलिए थोड़ा सा नींबू निचोड़ के देना चाहिए। अम्ल का प्रयोग करने से क्या होता है, अम्ल किसी को साथ में रहता है, किसी को नहीं रहता है, किसी किसी को नींबू से एलर्जी रहती है, बिजोरा नींबू, कागदी नींबू, सादा नींबू से एलर्जी रहती है, तो उसको साथ में है कि नहीं साथ में है, क्योंकि अगर साथ में नहीं रहता है तो किसी किसी को रैशेज आने लगते हैं, किसी का एलर्जी सर्दी वगैरह बढ़ जाता है नींबू खाने से, हीट बढ़ जाता है, तो इसीलिए ना उसका प्रयोग युक्तिपूर्वक करना चाहिए, साथ में असाथ में का विचार करके ही हमें अम्ल रस साथ में यूष का देना चाहिए, जिसको असाथ में है अम्ल रस उनको सादा यूष का देना चाहिए, और छोंक लगा दीजिए या बिना छोंक का, जब छोंक लगे तो टेस्टी लगता है, पचने में भी अच्छा। जब लंघन हो जाता है, आम का पचन हो जाता है, उसी तरह से अग्निमान्द्य अगर बहुत ज्यादा रहे और तो फिर अग्निमान्द्यता और न बढ़े, इसका ध्यान रखना जरूरी है। अगर अग्निमान्द्यता है तो अम्ल रस का प्रयोग ना करें, क्योंकि अम्ल रस से और अग्निमान्द्यता बढ़ने का डर रहता है, अगर पेशेंट को नहीं साथ में अम्ल रस तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। उसी तरह से दाढ़िम प्रधान अम्ल रस अगर दे देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आप यूष बनाइए और उसमें अनारदाना, अनारदाना डाल के और उसको और थोड़ा गर्म कर दीजिए, तो अनार जैसा बहुत टेस्टी भी लगेगा और जूस पीने में भी अच्छा रहेगा, तो वो दीपन पाचन रहता है।
लेकिन अगर अग्नि मंदिर है तो नॉर्मल ही यूज दीजिए, उसमें अनार मत डालिए, ऐसा बता दिया। उसी तरह से ज्वर में जब वात और पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है और कफ कम रहता है, तब उसमें घृतपान किया जाता है जो वायु का भी शमन करता है और पित्त का भी शमन करता है, और कफ तो क्षीण है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा देता है। तो अग्नि जो है वह घृत जो है घी, गाय का घी जो है वह अग्निवर्धक है और वह वात पित्तग्न द्रव्य है, वायु और पित्त का शमन करता है। और इसीलिए जब सामता पूरी तरह से चली गई है, शुरुआत में अगर हमने अमावस्या में घृतपान करा दिया, ज्वरे परिपक्वेषु दोषेषु सर्पिष्पानम यथा अमृतम, मतलब जब दोष ऊर्ध्व रहे और कफ मंद रहे और पित्त ज्वर है तब, और दोष जब पकने लग रहे हैं पच्यमान अवस्था में है, तब जो घृत का अगर सेवन करा दिया जाए वो भी थोड़ा थोड़ा ही करना है, मतलब 5-10 ml से शुरू करके जितना साथ में है उससे बढ़ा बढ़ा के 20 ml तक हम लोग दे सकते हैं। तो ये अमृत प्रदान करता है, मतलब शरीर को मृत्यु से दूर लेके जाता है, अमृत समान हो जाता है। उसी तरह से ज्वर में पित्त की उष्णता की वजह से शरीर की स्निग्धता कम हो जाती है, पित्त जो है वो गर्म है पूरा स्निग्धांश को खींच लेता है और रुक्षता बढ़ने लगती है। तो रुक्षता को कम करने के लिए घृत जो है वो सब मतलब बहुत ज्यादा स्निग्ध भी रहता है और साथ में भी रहता है। हम लोग तेल वसा मज्जा का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन तेल पचने में हैवी रहता है, गुरु रहता है, भले वो अच्छा रहे स्नेहन करे लेकिन वो ऊपर जठराग्नि की क्रिया करके ही कार्य करना है, तो उसके लिए घृत ही अच्छा है। वसा मज्जा तो स्नेह करता है लेकिन वह भी पचने में हैवी रहता है। हमें लघु और सुपाच्य चीजें देनी है और शरीर को साथ में रहे, इसलिए घृत की योजना बताई है। सादा घृत के प्रयोग करने से ज्यादा अच्छा है कि शमन घृत का प्रयोग करें, तो तिक्त घृत, महातिक्त घृत, तिक्त रसात्मक घृत का प्रयोग करें, या फिर पटोल, नीम, फिर कुटकी, इंद्रेव, किरातिक्त, या फिर पंचतिक्त जो बताए, सबसे अच्छा है पंचतिक्त। तो उसमें गुडुची है, पटोल है, नीम की छाल है, इंद्रेव है, करेंगे तो यह उत्कृष्ट ज्वरग्न दवाइयों से सिद्ध किया हुआ जो घृत है यह शमन कार्य करता है और स्नेहन कार्य भी करता है, अग्नि को बढ़ा देता है, धातुओं को बल देता है और दोषों का शमन करता है। इसीलिए घृत कल्पना देना चाहिए जब स्निग्धांश कम हो गया है। उसके बाद में लंघन होने के पहले अगर कफ अधिक बहुत ज्यादा रहे तो घृत का प्रयोग नहीं करना है, अमावस्था है और कफ भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो मतलब घृत एकदम बिल्कुल भी नहीं देना है। शमन उपचार में जब कफ एकदम अवस्था में नहीं देने के लिए बोला है, नहीं तो कफ के अवस्था में अगर हम लोग देंगे कफ बढ़ा हुआ है आम स्नेहा जीर्ण हो गया तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है। उसी तरह से आम कम होने के बाद, आम दोष कम हो गया, तब सभी बल्य दवाइयों का प्रयोग करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। बल्य द्रव्य देने से शरीर की बल बढ़ जाती है, दोष बल कम हो जाते हैं जो दोष बढ़े हुए हैं, तो इसलिए मांसरस का सेवन करने के लिए बोला है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको मटन का सूप देने के लिए बोला है, चिकन का सूप देने के लिए बोला है, या फिर और पक्षियों का, पशु पक्षियों का सूप देने के लिए बोला है जो साथ में है, अग्नि के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, व्याधि के हिसाब से, वह मांसरस का प्रयोग बोला है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है, प्योर वेजिटेरियन है, उनको यूज पे ही आगे काम चलाना चाहिए, तो इससे बल मिलता है, ताकत मिलती है, धातुओं को ताकत मिलती है, शरीर को ताकत मिलती है, मन को ताकत मिलती है, तो उसको पेशेंट को रिकवर करने के लिए यह मांसरस का योजना करने के लिए बोला है। इसी तरह से बता रहे हैं कि वात पित्त ज्वर अगर रहे और दाह बहुत ज्यादा रहे, तृष्णा बहुत ज्यादा रहे, तब दूध पिलाना चाहिए जो वायु का भी शमन करेगा, पित्त का भी शमन करेगा। तो गाय का दूध जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा बता रहे हैं कि अगर दोष बहुत ज्यादा बढ़े हैं और कॉन्स्टिपेशन है तो गाय का दूध न देके बकरी का दूध दे रहे। अगर गाय का दूध देंगे तो और अग्नि मंदता करेगा, कोष्ठबद्धता करेगा, दोषों को बढ़ाएगा, और भले दुग्धम
उसी तरह से ज्वर के अंत में ज्वरांते रेचनम ऐसा बोला गया है कि पूरा आम पचन हो गया है, निरामावस्था हो गया है, तब मृदु विरेचन करना चाहिए। मृदु विरेचन के लिए मनुका भिगो के और वह खाने के लिए दे दीजिए, त्रिफला दे दीजिए या फिर हरिद्की दे दीजिए जो मृदु विरेचन कर दे, दोषों को निकाल दे। और ज्वर जो है ये पित्त का व्याधि है, पित्त की चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा विरेचन ही है, इसको ध्यान में रखते हुए विरेचन करने के लिए बोला है। और यह मृदु ही होना चाहिए, तीक्ष्ण विरेचन नहीं देना, नहीं तो व्याधि और बढ़ जाएगा और बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगा। वायु का प्रकोप अगर हमने तीक्ष्ण विरेचन इच्छा व्याधि जैसे द्रव्य दिए, मिश्रक स्नेह दे दिया, बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। इससे अच्छा है कि सुकुमार घृत है, मणिभद्र ले हमें, यह भी सौम्य विरेचक है, स्निग्ध भी रहे और मृदु भी है, ज्यादा तकलीफ नहीं, तो आरगवत का कषाय दे दें, वह कफत जो जो रहता है उसमें आरगवत का बहुत अच्छा रोल रहता है। इसी को चरक चिकित्सा स्थान में ऐसा बता रहे हैं, अश्रेण बल मासाग्ने शमेत विरेचनहि, जो अश्रेणस्य न हितम वमनम न विरेचनम कामम तो पैसा तस्य निर्वा हरेन मलात। अब विरेचन देने के पहले हमें बलाबल का भी विचार करना चाहिए। विरेचन करने से क्या होता है कि वायु का प्रकोप होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, और रोगी जो है अगर क्षीण है, मांस से भी क्षीण है, अग्नि से भी क्षीण है, इतना ही काढ़ा का बस्ती देना है, ज्यादा बस्ती नहीं देना है। दूसरा बोल रहे हैं कि शीर्ण रोगियों को विरेचन के बदले में अगर काढ़ा की निरु बस्ती दे, अनुवासन नहीं बोला है, ये ध्यान में रखिए, अनुवासन से और वो मतलब अग्नि को मंद कर सकता है, यहाँ पर निरु बस्ती बोला है। निरु करने से क्या होगा कि दोष निकल जाएंगे, मल प्रवृत्ति अच्छी हो जाएगी, वायु अनुलंबित हो जाएगा, तो बल और अग्नि का अग्नि बढ़ जाएगा, रुचि बढ़ जाएगा, ज्वर जो है निरामावस्था से आके ज्वर की मुक्ति होके पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। और क्षीण रोगी है, अग्नि अच्छा है, तब अनुवासन का प्रयोग करना है, जो क्योंकि क्षीण है, अग्नि अच्छा है, अग्नि को वो अगर हम लोग तेल का बस्ती देते हैं तो अग्नि को बढ़ा देगा और वो अग्नि मान्यता नहीं करेगा, रोगी की क्षीणता को भी दूर कर देगा, इसलिए अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना है। और इसी तरह से बद्ध और रुक्ष मल प्रवृत्ति अगर हो रही है, तब मतलब बहुत ज्यादा बंधा हुआ कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गांठे गांठे काली काली गांठे निकल रही है, कभी कभी इतने बड़े बड़े गांठे निकलती है, ऐसा पेशेंट बोलते हैं, तब हमें अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर देंगे तो स्नेहन हो जाएगा, अग्नि को प्रदीप्त कर देगा, वायु का भी शमन कर देगा, इसीलिए अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर। से बहुत अच्छा फायदा होता है, ज्योतिषमती तेल का भी बहुत अच्छा फायदा होता है, षडबिंदु तेल का भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसको ध्यान में रखते हुए पंचकर्म कब करना है कब नहीं करना है ये सारे इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता दिया है। अब मैं आप लोगों का जो प्रश्न उत्तर है वो देखेंगे, कल सन्निपात ज्वर की चिकित्सा देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर चिकित्सक को सन्निपात की चिकित्सा करते हुए आना चाहिए। तो मैं आप लोगों का जो भी प्रश्न उत्तर है वो देख लेता हूँ, यहाँ थोड़ा हैंग हो रहा है। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको, यहाँ थोड़ा सा हैंग हो रहा है, रुकिए 2 मिनट रुक जाइए। जब भी मैं ये फेसबुक का करता हूँ ना तो नेटवर्क इशू आता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि कुछ तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको, मेरा ना लैपटॉप थोड़ा हैंग हो रहा है। यहाँ कुछ तो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे से हो ही नहीं रहा।